हेलो दोस्तों, हर बार की तरह इस हफ्ते के एक और नए टेक न्यूज एपिसोड के साथ में हाजिर है, जिसमें देश और दुनिया की आज की टेक न्यूज पर बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्ज। दोस्तों, हर दिन की तरह एपिसोड की करते हैं शुरुआत और सबसे पहली खबर पर आते हैं। आज है YouTube से पहली खबर। दोस्तों, न्यू ईयर ईव पर YouTube लेके आया है आपके लिए पार्टी, जो कि वर्चुअली आपको मिलेगी 31 दिसंबर की रात में। यानी कि न्यू ईयर ईव पर इस बार YouTube थीम लेके आया है हेलो 2021 इंडिया, जिसमें कि जाकिर खान होस्ट करने वाले हैं इस पार्टी को और परफॉर्मेंस आपको बादशाह जाकिर खान और जयंती गांधी की देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट दिसंबर 31 को 11 बजे रात में शुरू होगा ये प्रीमियर और 12:30 बजे तक चलने की उम्मीद है। अगली खबर है Vivo X60 सीरीज आज लॉन्च हो गई। दो स्मार्टफोन Vivo X60 और X60 Pro हुए हैं लॉन्च, जबकि X60 Pro Plus बताया जा रहा है कि जनवरी में कंपनी लेके आएगी। फिलहाल दोनों ही स्मार्टफोन में Samsung Exynos 1808 पहली बार इस चिपसेट के साथ में कोई स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। फोन के अंदर 12GB की रैम है, प्रो वर्जन की बात कर रहा हूँ, और क्वाड कैमरा है 48 मेगापिक्सल के साथ। सामने पंच होल डिस्प्ले है एमोलेड, जिसमें कि आपको मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4700mAh की बैटरी है। आपको प्राइस भी फटाफट से बता देता हूँ। Vivo X60 के 39,000 के तकरीबन प्राइस रखेंगे कंपनी ने, जबकि X60 Pro आपको अगर खरीदना है तो 50,000 से ऊपर प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद यह है कि शायद प्रो प्लस जो फोन आएगा जनवरी में, उसकी प्राइस लगभग 60,000 या 57-58,000 के आसपास रह सकती है। बाकी दोस्तों, फोन आप चेकआउट कर ही लिए होंगे, कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप इसके बारे में बता सकते हैं। अगली खबर गूगल से। गूगल असिस्टेंट इनेबल जितनी भी डिवाइसेस हैं दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन ही ले लीजिए दोस्तों, अगर आप गूगल असिस्टेंट से न्यू ईयर ईव पर बोलेंगे कि वो आपके लिए गाना गाए, तो गूगल असिस्टेंट आपके लिए गाना भी न्यू ईयर ईव पर गाने वाला है। इसके लिए गूगल ने तैयारी कर ली है और अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अब दोस्तों, मैंने आपको यूट्यूब के बारे में बताया था, तो गूगल उसकी पेरेंट कंपनी है, तो आपको उसकी जुड़ी हुई सर्विसेज में भी न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सरप्राइज मिलना ही चाहिए। अब एक और कमाल की है कि अगर आपकी गूगल असिस्टेंट से रिलेटेड डिवाइस जो है, अगर उसमें डिस्प्ले भी है, तो आपको साथ में कुछ एनिमेशन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें कि वर्चुअली कुछ एनिमेट किया हुआ आपको पिक्चर दिखाई देगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस तरह की जो वर्चुअली आपके लिए कंपनियां लेके आई हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ फीचर, आपको कैसे लगे नीचे आप बता सकते हैं। इसके बाद खबर आईक्यू के 7 स्मार्टफोन से। आईक्यू का 7 स्मार्टफोन का एक नया एडिशन दोस्तों टिप हुआ है और लॉन्च भी होने वाला है 11 जनवरी को, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है। अब ये फोन है BMW एडिशन। तो दोस्तों, इस फोन में आपको मिलेगा कलर मोटर स्पोर्ट लुक जैसा। अब साथ में आपको बता दूं कि इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको मोटो स्पोर्ट डिजाइन मिलने वाली है, तो उसके साथ में पावरफुल और फ्लेक्सिबल जैसे फीचर भी मिलने चाहिए। तो इस समय 888 स्नैपड्रैगन से बेहतर क्या हो सकता है। बाकी दोस्तों, इंतजार कीजिए कि किस प्राइस रेंज में इस नए एडिशन को लॉन्च करती है कंपनी। इसके बाद खबर सैमसंग से है। दोस्तों, सैमसंग और अमेज़न प्राइम वीडियो दोनों ही मिलकर एक नए फीचर पर काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए और भी ज्यादा इंप्रूव्ड और बेहतर वीडियो क्वालिटी देने का काम करेंगे। ये नए फीचर होने वाला है HDR 10 प्लस एडेप्टेड मोड, जिसमें कि HDR जो वीडियो क्वालिटी है उसको और भी ज्यादा एनहेंस किया जाएगा, ताकि यूजर को फिल्म मेकर जो मोड है उस पर ज्यादा बेहतर, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और बेहतर कलर रिप्रोडक्शन के साथ में वीडियो क्वालिटी मिल सके। बाकी दोस्तों, Amazon प्राइम के साथ में काम करें तो शायद हमें उम्मीद है कि सबसे पहले आपको इसी OTT प्लेटफॉर्म पर ये फीचर देखने को मिलेगा। हो सकता है Samsung बाकी के दूसरे अपने हैंडसेट वगैरह में दूसरी जो OTT प्लेटफॉर्म है उनको भी सपोर्ट करे, लेकिन फिलहाल तो Amazon तक ही ये रहने वाला है, इतना तय है। इसके बाद खबर रिलायंस जियो को लेके। दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब में खासतौर पर खबर आ रही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से वहां पर जो जियो से रिलेटेड साइट्स हैं, टॉवर है, उनको तोड़फोड़ की गई है। कल तक की अगर रिपोर्ट की माने 1500 से ज्यादा टॉवर और साइट्स को ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जियो का नेटवर्क वहां पे पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अब रिलायंस जियो ने वहां के CM को लेटर लिखा है और मांग की गई है ताकि उनकी जो साइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जा सके, सेफ्टी दी जा सके उन्हें, और साथ में जो उत्पात मचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। अगली खबर TCL से है। दोस्तों, TCL ब्रांड कोई ऐसा नहीं है जिसका
इसका परिचय आपको कराया जाए। आप सब जानते हैं स्मार्ट टीवी से लेके जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं उनको बनाने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों एक नए पचड़े में ये कंपनी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। यूएस के अंदर दोस्तों लगातार चाइनीज कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से बैन लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अब TCL उसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगा है यूएस के अंदर कि TCL जो भी हैंडसेट या स्मार्ट टीवी जो भेजती है उसमें बैकडोर एक ऐसा कुछ ना कुछ छोड़ दिया जाता है ऑप्शन, जिससे कि उसका डेटा, जो यूजर का डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किसी को लीक की जा सके, चाहे वो TCL करती हो या कोई थर्ड पार्टी उसका यूज कर सके। अब इसकी जांच की जा रही है कि जानबूझकर TCL ऐसा करती है जो यूएस के अंदर भेजे जाते हैं यूनिट, या फिर ये गलती हो रही है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि इसके बाद कार्रवाई क्या TCL पर भी होती है या फिर इस मसले को लेके क्या बीच का कोई रास्ता निकलता है। अगली खबर है LG से। LG स्टाइलो सीरीज तो आपको याद ही होगी, जी हाँ, जिसमें दोस्तों स्टाइलस मिलता है। आप नोट सीरीज का LG वर्जन उसको समझ सकते हैं। अब उसी सीरीज का यानी कि LG स्टाइलो का 7 फोन रेंडर सामने आ गया है, जिसमें कि पीछे की तरफ ट्रिपल रेयर कैमरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों फोन बिल्कुल सिमिलर अपने पुराने जो फैमिली मेंबर है उन्हीं की तरह देखने में लग रहा है, और उम्मीद यह है कि ये फोन भी जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमें देखने को मिल सकता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ सकती है। वैसे कंपनी की तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा गया, बस रेंडर के बदौलत ही ये जो रिपोर्ट है वो चल रही है। बाकी देखते हैं दोस्तों इस फोन में क्या निकल के आता है। जैसे कि बताया जा रहा है 6.8 इंच की हमें इसमें डिस्प्ले मिल सकती है, और इंतजार करते हैं क्या क्या निकल के आता है। और आखिरी खबर है आज की नोकिया से। नोकिया का एक नया स्मार्टफोन जिसका कोड वर्ड है TAT322, ये स्पॉट हुआ है ऑनलाइन, जिसमें बताया जा रहा है 3900 mAh की बैटरी मिलेगी। अब ये दोस्तों 3900 mAh की बैटरी वाला फोन शायद नोकिया 6.3 ही हो सकता है, बाकी और तो कोई फोन अभी लाइनअप है नहीं नोकिया का आने के लिए। बाकी आपको याद होगा कल मैंने आपको नोकिया 6.4 और 7.3 के बारे में बताया था कि वो भी TUB रिनलैंड सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किए गए हैं। अब दोस्तों ये फोन स्पॉट तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नोकिया की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताई जा रही है। इंतजार करते हैं, शायद कंपनी जल्दी ही कुछ अनाउंसमेंट इनके बारे में कर। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में तो इतना ही, वीडियो को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। वीडियो के बारे में कुछ भी आपको कहना हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जाने से पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी दोस्तों रखिए तब तक अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।